प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10.7 करेंगे। प्रॉब्लम में गिवन है अ ट्रांसवर्व वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। एक ट्रांसवर्व वेव स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, मींस फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इक्वल टू 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। जो लेंथ गिवन है स्प्रिंग की, ठीक है, लेंथ स्प्रिंग की लेट सपोज एक्स से लेते हैं, दैट इज 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। टाइम जो है वो 0.5 सेकंड में, दिस इज सेकंड, ठीक है। एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है स्प्रिंग में जिसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। जो लेंथ स्प्रिंग है वो 90 मीटर एंड इन 0.5 सेकंड में व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव। यहाँ पे हमें पीरियड फाइंड करना है, यानी टाइम पीरियड जो होता है, ये टाइम जो गिवन है वो इस स्प्रिंग का गिवन है जिसमें ये वेव्स बन रही है, ठीक है, और 0.5 सेकंड में ये वेव्स बन रही है 90 मीटर जिसकी लेंथ है इसकी स्प्रिंग की, और 190 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बन रही है इन 0.5 सेकंड। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड भी फाइंड करनी है एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव और वेवलेंथ भी फाइंड करनी है। तो पहले हम टाइम पीरियड देखते हैं, टी विच इज इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है टी विच इज इक्वल टू 1/190। जब 190 से 1 को डिवाइड करें, 1 को 190 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.005 सेकंड्स। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे ये 5 है प्लस 1 इस पास वाले में आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.01 सेकंड। सो दैट इज द टाइम पीरियड। अब फाइंड करेंगे टाइम पीरियड के बाद वेलोसिटी, स्पीड फाइंड करेंगे। सो v इज इक्वल टू f लैम्डा, या v इज इक्वल टू f लैम्डा, फार्मूला ये होता है। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, और जो वेवलेंथ है दैट इज नॉट गिवन, वेवलेंथ गिवन नहीं है। तो यहाँ पे वेव की हमें स्पीड मेयर करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 90 मीटर। जो स्प्रिंग की लेंथ है दैट इज 90 मीटर, मीन्स वी विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एक्स डिवाइडेड बाय एंड टाइम, कितना टाइम लगा उसको। तो ये जो उसने वेव ट्रेवल की वो कितने टाइम में, कितनी स्पीड के साथ वो वेव ट्रेवल कर रही थी, दैट इज 90 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 0.5 सेकंड। ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर इन 0.5 सेकंड, 90 मीटर की लेंथ उसकी थी डिस्टेंस, यानी हमने लिया डिवाइडेड बाय टाइम जो था 0.5 सेकंड्स में। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 180 के बराबर, 180 मीटर पर सेकंड स्पीड जो मिलेगी, दैट इज 180 मीटर पर सेकंड मिलेगी। बाकी हमें बच्चे की वेवलेंथ, सो लैम्डा विच इज इक्वल टू, इस फार्मूले से v इज इक्वल टू f लैम्डा जो पहले लिखा था मैंने, अब लैम्डा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f हो जाएगा, क्योंकि f यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था लैम्डा के साथ, इस साइड आके डिवाइड करेगा। तो लैम्डा विच इज इक्वल टू v की वैल्यू गिवन है 180 एंड डिवाइडेड बाय 190 गिवन है फ्रीक्वेंसी की। सो ये बराबर आएगा 0.947। अब ये 7 बड़ा है 5 से, तो इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा वेवलेंथ आ जाएगी 0.95 मीटर। सो ये था प्रॉब्लम नंबर 10.7।